तो सबसे पहले ये वीडियो देखो। जो इस वीडियो के अंदर है, ऐसी अगर आपको वीडियो बनानी है तो वो कैसे बनेगी, आज ये वीडियो इस चीज के बारे में है। ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एक स्लो फास्ट मिक्स वाली वीडियो बना सकते हो खुद की, अगर आपको कोई वीडियो बनानी है या आपको ऐसी कोई वीडियो सिनेमैटिक डाउनलोड करके उसके ऊपर स्टेटस लगाना है, स्टेटस वाली ऐसी वीडियो अगर बनानी है आपको स्लो फास्ट मिक्स वाली, तो आप कैसे बना सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिसके अंदर मैं सारे स्टेप्स आपको अभी समझा दूंगा। तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो ये सब्सक्राइब बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम मेरे काइन मास्टर में आ गए। यहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट लेना है, जो कि आप वीडियो बनाना चाहते हो। पहले आप वीडियो इसके अंदर इम्पोर्ट कर लीजिए। तो मैंने ये वीडियो इम्पोर्ट कर लिया। इस वीडियो में लड़की सिंपली चल रही है। पहले मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखा देता हूँ। अभी हम इस वीडियो में स्लो फास्ट मिक्स मोशन बनाएंगे और इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले ही इस लड़की को थोड़ी सी आगे तक जैसे चल जाएगी, यहाँ से आपको इस वीडियो को ट्रिम करना है प्लिट करके। उसके बाद आपको जितनी ये स्लो मोशन में जानी भेजनी है उतनी पे आपको इसको दोबारा से ट्रिम करना है। उसके बाद आपको एक और इसमें कट लगाना है, जहाँ से आप इसको फास्ट बनाना चाहते हो या स्लो बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो वीडियो है ये शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले वीडियो को हम यहाँ से थोड़ा स्लो कर देंगे और दूसरी वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। तीसरी वीडियो को हम दोबारा से स्लो कर देंगे और चौथी वीडियो को हम दोबारा से फास्ट कर देंगे। तो अभी आपको अगर एक बार आप चला के देखोगे इस वीडियो को, तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई देगी, कि जैसे एकदम अटक के दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन जब हम इस वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये अच्छे से दिखाई देगी। अभी मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ। तो ऐसे करके आप इस वीडियो को इंटरेस्टिंग स्लो फास्ट मिक्स बना सकते हो। उसके अलावा आप फ्रेम्स भी इसके चेंज कर सकते हो। फ्रेम्स कर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपोर्ट करने के बाद क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आपने नोट किया हो, तो जब आप 60 FPS पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वीडियो और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, स्लो ट्रांजिशन में भी और फास्ट ट्रांजिशन में भी। और अगर आप 30 FPS पे करोगे तो नॉर्मल वीडियो चलेगी और थोड़ी थोड़ी कहीं पे लैग करती हुई दिखाई देगी जब आप स्लो फास्ट मिक्स करोगे। और वैसे आपको मैंने बता ही दिया कि आपको स्लो फास्ट मिक्स मोशन कैसे बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हो वो सॉन्ग लगा सकते हो और इस वीडियो का एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी। अगर कोई आपको वीडियो बनानी है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। और अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बैकग्राउंड दे सकते हो आप ब्लैक कलर का, तो जिससे ये वीडियो थोड़ी सी सिनेमैटिक दिखाई देने लग जाएगी। उसके लिए आपको इसको ऊपर नीचे से थोड़ी सी ब्लैक करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए और इस डुप्लीकेट लेयर को आप ऊपर की तरफ लगा दीजिए। अब इस वीडियो को हम दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो ब्लैक अपर लोअर सर्कल लगाने से इसके अंदर क्या डिफरेंस आया और अब ये कैसी सिनेमैटिक दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है।
तो ये देखिए अभी इसका जो लुक है वो और ज्यादा चेंज हो गया और अभी ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप समझ आए होंगे जो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया कि कैसे कैसे आपको स्लो फास्ट मिक्स वीडियो बनानी है। और एक चीज ध्यान रखना कि आप शुरू में वहीं पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे उसके जो फ्रेम्स है वो सही से रेंडर नहीं होते, जिसकी वजह से अटक अटक के वीडियो चलती है। जब आप उसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो उसके बाद उसके सारे फ्रेम्स आ जाते हैं और उसके बाद वो वीडियो अच्छे से चलती है। ऐसा मत सोचना कि आपकी वीडियो अटक अटक के चल रही है, हो सकता है आपका छोटा फोन होगा तो उतने फ्रेम्स को कैच नहीं कर पा रहा होगा। तो आप उसको स्लो स्लो करके स्लो कीजिए और फास्ट करने के लिए भी दो बार फास्ट कीजिए, उसको एक्सपोर्ट कीजिए, दोबारा से इंपोर्ट कीजिए, फिर दोबारा से एक्सपोर्ट कीजिए। ऐसे करके अगर आप करोगे तो और ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन आपकी वीडियो के अंदर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, उसके अलावा अगर आपको काइन मास्टर फ्री में डाउनलोड करना है, प्रीमियर प्रो फ्री में डाउनलोड करना है, या फिर प्रीमियर प्रो को चलाना कैसे है या काइन मास्टर को कैसे चलाना है, उन सब की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन में। और आई बटन में नहीं मिलेगा तो चैनल पे तो मिल ही जाएगी वीडियो, तो वहाँ पे जाके वीडियोज को देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।